उज्जैन रेलवे स्टेशन पर खड़ी सवारी गाड़ी के एक डिब्बे में आग लग गई। बता दें आग लगने के चलते यह पूरा डिब्बा जलकर खाक हो गया है। रेलवे प्रशासन आग लगने के कारणों को अज्ञात बता रहा है। बीती रात उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन के कोच में रविवार रात को अचानक आग लग गई। बता दें कोच से धुआं निकलता देख आरपीएफ तथा रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग काफी भड़क चुकी थी, इस पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग ट्रेन के जिस कोच में लगी थी, ट्रेन पूरी तरह खाली थी। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खाली ट्रेन को खड़ा किया गया था। इसे सोमवार सुबह इंदौर के लिए रवाना किया जाना था। रेलवे पीआरओ का कहना है कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। फिलहाल आग के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल कर आग लगने के कारण जांचे जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि ये उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जो बीते ही रात है उसको ये घटना हुई थी। इसमें क्या है, जो इंदौर जो ट्रेन है, इंदौर रतलाम पैसेंजर ट्रेन, उज्जैन इंदौर पैसेंजर ट्रेन, उस ट्रेन में जो एक कोच था वो आग में पूरी तरह से जल गया। तो इसकी वजहों का अभी तो कारणों का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा के थ्रू और दूसरे जो सोर्सों से हम लोग जुटाना स्टार्ट कर दिया। ये बाकिया हुआ था तकरीबन 10:45 हुआ था। तो इसमें क्या है कि जीआरपीएफ आरपीएफ और सबकी लोग तुरंत घटनास्थल पहुँच गए थे। इसके बाद में फिर फायर ब्रिगेड की जो टीम बुलाने के बाद में आधे घंटे के मशक्कत के बाद में इसको काबू पा लिया गया। जब तक वो ये जो एक और पूरी ट्रेन और जो रेक उस ट्रेन खाली थी और वो खड़ी हुई थी तो पूरी और सुरक्षित था। एक ही कोच जला है। इसके बाद में फिर पूरी तरह से उसको जांचा पड़ताला जा रहा है। इसके बाद में ही उसका पता चल पाएगा किस कारण से एक आग लगी।